नमस्कार, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मोमीज डायरीज में। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, बिजी और स्ट्रेस्ड लाइफ में नॉर्मली हम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करते पाए जाते हैं। स्पेशली वुमेन जिनको घर और बाहर की दोनों की जिम्मेदारियों को बैलेंस करके चलना होता है, वो अक्सर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, जिसके नतीजे में उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आज के टाइम पे PCOS पाया जा रहा है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नॉर्मली पहले के टाइम में ये 30 से 35 साल की महिला में पाया जाता था, पर आज के टाइम में ये टीनेजर्स में भी पाया जा रहा है और भारत में हर 5 में से एक महिला में PCOS की शिकायत मिल रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो PCOS के बारे में जानना हर औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उससे बचाव कर सकें और उससे लड़ सकें। नॉर्मली किसी भी वुमेन की ओवरी में एग्स होते हैं, जो हर महीने हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जो कि ब्रेन से निकलते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं और महीने के 14 या 15वें दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलीज होते हैं। और अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो ओवरी की लाइनिंग के साथ 2 हफ्ते बाद शेड हो जाते हैं, यानी कि मेंसेस आ जाते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। हर महीने ये साइकिल 28 दिन की चलती रहती है, मतलब कि हार्मोन के इंटेंस में एक्स बनता है, ग्रो होता है, रिलीज होता है, और अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है लेडी तो वो ब्लीड हो जाता है। पर अगर ये हॉर्मोन्स जो कि एग को स्टिमुलेट करते हैं बनने के लिए, इनका लेवल नॉर्मल से डिस्टर्ब हो जाए तो PCOS होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ब्रेन के, जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए, अगर उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो क्या होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि एग मैच्योर नहीं हो पाते और वो रिलीज नहीं होते और बहुत सारे फॉलिकल्स डिसअपियर नहीं होते, जिनमें धीरे धीरे फ्लूइड भरता जाता है और वो ओवरी में इकट्ठा होते जाते हैं। इसी कारण इस सिंड्रोम को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्ट ओवरी की सतह पर पाए जाते हैं। ये तो हो गया कि आखिर PCOS होता क्या है, पर इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो इसमें सबसे पहला चेंज जो आता है वो होता है ओवरी थिक की जो लेयर है वो थिक हो जाती है, उसमें बहुत सारे आपको सिस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो उसमें आपको एक मोतियों की माला जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण एग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जो धीरे धीरे इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है मतलब कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण जो हमारे बॉडी का शुगर है वो जगह जगह चर्बी में इकट्ठा हो जाता है, जो मोटापे का एक कारण होता है। फिर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि LH और इंसुलिन आपस में, इनके इफेक्ट के कारण जो एंड्रोजन होता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, उसका लेवल ब्लड में घट जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाने लगते हैं वुमेन की बॉडी में PCOS में, जिनमें से सबसे पहला होता है इरेगुलर मेंसेस। इरेगुलर मेंसेस में क्या होता है, या तो उसको बहुत कम ब्लीडिंग होगी, 2-3 महीने में एक बार पीरियड्स आएगा, और अगर आएगा भी तो बहुत थोड़ी ब्लीडिंग होगी या तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। दूसरा होता है एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स। एंड्रोजन जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ जाने से कुछ मेल फीचर्स आने लगते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ऑयली स्किन हो जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं। हिरोसिटिज्म मतलब कि बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल आते हैं चेहरे पर, छाती पर, नाभि पर, पीठ पर, और कुछ काले धब्बे भी पाए जाते हैं, जैसे गर्दन पर, जनरली फोल्ड्स पर, गर्दन की फोल्ड्स पर, हाथ की फोल्ड्स पर, कमर की फोल्ड्स पर। पीरियड्स के टाइम पर पेल्विक पेन होना भी एक सिम्टम होता है PCOS का। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण मोटापा बढ़ता है, क्योंकि प्रॉपर शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है हमारे शरीर में, जिसके कारण वो जगह जगह चर्बी बन के इकट्ठा हो रही है और उसके कारण वेट गेन होता है। प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी आना, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो रिलीज नहीं होते, मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी। आखिर क्या कारण होता है PCOS के होने का? जनरली बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण आज के टाइम में है लाइफस्टाइल का। एक महिला जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, वो बहुत रिस्क पे रहती है PCOS होने के। अगर उसका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं है, मतलब कि वो रात में देर तक जागते हैं, रात तक मोबाइल देखते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण है। खाना
फूड हैबिट्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है पीसीओएस के लिए, मतलब कि जंक फूड का ज़्यादा होना, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना, ये सब भी एक कारण है पीसीओएस होने का। टॉक्सिन से ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब कि आजकल के टाइम में जैसे कि अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ये सब ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी एक रीज़न होता है पीसीओएस का। एक रीज़न ये भी माना गया है कि ये जेनेटिक कारण से भी होता है, हालांकि इसका रीज़न आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये जेनेटिक इम्पेयरमेंट क्यों होता है, पर ये भी एक रीज़न माना जाता है पीसीओएस। ट्रीटमेंट क्या है पीसीओएस का? जनरली इसका ट्रीटमेंट डिफाइंड नहीं है कि इसका प्रॉपर क्योर नहीं है, इसका प्रिवेंशन है। हम जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि अगर इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन सिर्फ 14 दिन के लिए देते हैं, जो कि बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिनके कारण एंड्रोजन का लेवल कम होता है और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर होने लगती है, ओव्यूलेशन होने लगता है और उसके सारे इफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जैसे कि एक्ने कम हो जाता है। एक्ने के लिए हम एंटी एक्ने ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर डायबिटीज़ है तो उसकी एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस चलती हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन, और अगर एडवांस स्टेज में है तो कुछ सर्जन इसमें सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। पर मैं यहाँ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, पीसीओएस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम अपना वेट रिडक्शन कर लें। वेट रिडक्शन से पीसीओएस में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, 90% तक सुधार, और कई कई में तो ये जड़ से भी ख़त्म हो जाता है। तो वेट रिडक्शन करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी बहुत ज़रूरी है, हमें अपना प्रॉपर डाइट प्लान बनाना पड़ता है, फूड हैबिट्स सही करनी पड़ती हैं, एक्सरसाइज करना पड़ता है, मेडिटेशन करें ताकि स्ट्रेस से रिलीफ हो। तो आज हमने डिस्कस किया कि पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर डाइट प्लान फॉर वेट रिडक्शन और कुछ होम रेमेडीज। तब तक के लिए नमस्कार।